बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन मालूमात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ऑनलाइन मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे बरए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने जीता। और पाकिस्तान की जीत के बाद इंग्लिश कप्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया। अपनी टीम की बल्लेबाजी बॉलिंग के बजाय शिकस्त का मलबा किस पर डाल दिया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंग्लिश क्रिकेटर एन मॉर्गन ने शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों चैंपियन ट्रॉफी की सेमीफाइनल में शिकस्त खाने के बाद इंग्लिश कप्तान एन मॉर्गन ने शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए एन मॉर्गन का कहना था कि कार्डिफ की पिच बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी और जैसे हमें तवक्को थी। पिच हमारे बैटिंग लाइन के बिल्कुल बरक्स थी। ये इंग्लैंड का होम ग्राउंड था लेकिन कंडीशन इंग्लैंड के लिए साजगार नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।